गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों का पेपर था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली बार पेपर लिया था, तो थोड़ा सा आपको जो लेवल है वो अप लगा होगा। ओके, तो ये है आपका जीके का सॉल्यूशन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने जो भी स्कोर किया है उसको आपको कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताना है, अपना नाम लिखना है, स्टेट लिखना है और आपका जो स्कोर रहा है उसको बताना है। ओके, वन बाय वन में 25 क्वेश्चंस है, उसी सीरियल नंबर में जिस सीरियल नंबर में आपके पेपर में आया था, 50 से 75 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सॉल्यूशन है। ओके, आइए देखिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, आपके सेट में शायद किसी और में हो, लेकिन आपके 51 से 75 तक जीके ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में है, डैश इंक्लूड्स इंटरनल रॉक्स मिनरल एक्सेट्रा, इनमें से कौन सा रॉक्स इंटरनल रॉक्स और मिनरल्स को इंक्लूड करता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एटमॉस्फेयर तो जिसमें हम लोग रहते हैं वो, दूसरा बायोस्फेयर, क्लियर है, उसके बाद हेमिस्फेयर और लास्ट में आता है जियोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोस्फेयर। आपको थोड़ा सा भी ट्रिक से करते तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ जहां पर हम लोग रहते हैं, लिथोस्फेयर पार्ट, तो जियोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर बरीड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो आर नोन एज। प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं तो वो जमीन के अर्थ के अंदर क्या हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद वो कोल में स्टार्ट होना कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनसे जो फ्यूल बनता है उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जिसमें आपके ऑप्शन में कौन सा आएगा, ए बी सी डी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फॉसिल फ्यूल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। यस, क्वेश्चन 53 बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है। रसगुल्ला पॉपुलर स्वीट ऑफ, रसगुल्ला सभी को पता है, आप लोगों को पसंद भी होगा, या जिस स्टेट से, इस स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या आ जाएगा इसका, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन 54 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भारत में ट्राइबल कम्युनिटी इनमें से कौन सी है, क्लियर है। तो पंडित, जाट, भील, पंजाबी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भील, क्लियर है। तो ट्राइबल कम्युनिटी है, क्लियर है बेटे, तो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, भील, भील इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, नेम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन द 18th सेंचुरी बाय किंग राजपूत किंग सवाई जय सिंह ऑफ राजस्थान। ये मॉक टेस्ट में मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ऑनलाइन क्लास में बहुत बार क्वेश्चन बताया, सेम मैंने बताया था कि ये 5 जगह बनाए गए थे जय सिंह सेकंड ने। तो क्या रहेगा, जंतर मंतर, जंतर मंतर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर बड़े। देखो, रेड फोर्ट भी नहीं होगा, कुतुब मीनार भी नहीं होगा, ताजमहल भी नहीं होगा, क्या रहेगा, जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 56, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज वासुदेव मोही अवार्डेड 29th सरस्वती सम्मान। ये अपने जो मॉक टेस्ट हुए थे उसी का क्वेश्चन है, 29th सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही कौन सी किताब के मिला था, चेक बुक के लिए मिला था। तो ये अपना ही क्वेश्चन है, चेक बुक। बहुत इजी पेपर था ये, कुछ खास पेपर नहीं था, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको परेशान कर सकते थे, बाकी कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आप ना कर पाओ। चेक बुक इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, वो द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। पहले भारतीय कौन थे जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे, पहले भारतीय के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ऑनलाइन में बहुत बार बताया हुआ ये वाला, मैंने जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो अभी करंट में है, फर्स्ट एशियन जो थे यूथ हांड, वो सारे मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है जहां से पसीना निकलता है, इनमें से कौन से बॉडी पार्ट में ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट का बोला है, क्लियर है, स्कैल्प, आर्मपिट्स, लिप्स या फिर पाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लिप्स, लिप्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, मतलब पसीने वाले ग्लैंड नहीं होते लिप्स में, इनमें होते हैं स्कैल्प, आर्मपिट्स और पाम, क्लियर है बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डू वी कॉल द यंग वन ऑफ अ कंगारू।
ये मैंने आपको क्रोकोडाइल का भी लिखवाया था, कंगारू का भी लिखवाया था, और जो बहुत सारे जो ये रेप्टाइल्स हैं इनके मैंने आपको लिखवाए थे। ओके, तो इनमें से एक ये फिर से आ गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉय। जॉय इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? तो कंगारू का जो बच्चा होता है उसको जॉय बोलते हैं। क्लियर है? क्रोकोडाइल का मैंने आपको बताया था, हैचलिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्लाउड्स आर मोस्टली मेड ऑफ, जो बादल होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोस्टली, इसमें मोस्टली वर्ड यूज किया गया है, मोस्टली का बोला है। क्लियर है? तो इसका मोस्टली क्या हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के होते हैं। क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? फ्रॉम विच मोनूमेंट डिड इंडिया अडॉप्टेड इट्स नेशनल एम्बलम? बहुत बार मॉक टेस्ट में आया हुआ है, जितने भी नेशनल एम्बलम से उनके बारे में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था, नेशनल फ्लैग के बारे में बताया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नेशनल एम्बलम जो है वो हमने कहां से लिया है? सारनाथ। क्लियर बेटे? सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 62 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डांस इज अ स्टोरी या थीम ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 62 का भरतनाट्यम हो जाएगा। क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये जो रिसेंटली जो मॉक टेस्ट है उसमें मिलेगा आपको, शायद मेरे वीडियो में भी है, ये जो हम लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि फर्स्ट कौन सा होता है, लास्ट कौन सा होता है। फर्स्ट तो मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया है 2-3 बार, और ऑनलाइन क्लास में मैंने कई बच्चों को अनम्यूट करके पूछा था। क्लियर है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर चैत्र होगा, जो फर्स्ट जो मंथ होता है हिंदू कैलेंडर जो होता है उसमें जो फर्स्ट मंथ होगा वो चैत्र होगा, लास्ट मंथ क्या होगा? फागुन, अभी आने वाला फागुन, होली वाला। तो इसमें ए ऑप्शन एक ही में है, देखो ये रहा, ए ऑप्शन और किसी में नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा। 64 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब लड़ाकू विमान कौन सा है? मैंने आपको बताया था जब टैंक्स के बारे में बताया था, अर्जुन टैंक है, उसके बाद मैंने आपको मिसाइल्स के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, तो LCA तेजस, LCA तेजस इज द करेक्ट आंसर। 64 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल? बहुत बार रिपीटेड, इतनी बार रिपीटेड मैंने आपको फिर बताया था बेटे कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ऐसे मानना है कि ये आपके साइंस स्कूल में पक्का आएगा। तो ये स्पीड ऑफ व्हीकल बोला है, स्पीड ऑफ व्हीकल को अगर आपको चेक करना है तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये जो गायरोस्कोप है, ऑनलाइन क्लास में जब मैं आपकी क्लास लेता था उसमें मैंने अपना ये गायरोस्कोप का फोटो लगा रखा था। क्लियर बेटे? तो आपको आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको अपने मार्क्स भी बताते रहना है कि सर मेरे 25 क्वेश्चन जो थे उसमें इतने सही है। क्लियर बेटे? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आंट्स रिकॉग्नाइज आंट्स फ्रॉम देयर ग्रुप? एक चींटी दूसरे चींटी को अपने ग्रुप से कैसे पहचानती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा स्मेल से, उसको अपने स्मेल से पहचानती है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड इन पोल्ट्री फार्म? कितना इजी क्वेश्चन है ये। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? हैन, मुर्गी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, किसको डोमेस्टिकेट किया जाता है? हैन को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, द डैश कवर द टंग एंड रिएक्ट टू केमिकल्स इन फूड, जो फूड के अंदर केमिकल्स होते हैं उनसे ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और ये कहां पर होते हैं? टंग में, पूरे में फैले होते हैं। तो क्या आएगा इसका? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टीथ नहीं होती, स्किन भी नहीं होती, टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग्स पे। क्लियर बड़े? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, व्हाट डज फ्रीजिंग डू व्हेन प्रिजर्विंग फूड? हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि उस समय प्रेशर होता है दिमाग पे, तो इसको आपने अगर सही किया तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो देखिए, जो प्रिजर्वेशन होता है फूड का, उसको उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं ना, तो उसको फ्रीज किया जाता है। तो क्यों करते हैं फ्रीज? टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई नहीं देते ना, उनका
जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करने के लिए उसको फ्रीज किया जाता है। क्लियर है बेटे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इतनी बार इसको बताया है, जितने भी कप्स हैं उन सभी को मैंने बताया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? संतोष ट्रॉफी इज द करेक्ट आंसर। डेविस कप का मैंने आपको बताया था, संतोष ट्रॉफी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बड़े? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 71 है बिल्कुल नया है। डैश इज ए ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ये ट्रेडिशनल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था। क्या हो जाएगा इसका? टंका इज द करेक्ट आंसर। बावड़ी तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन टंका इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिसॉल्व इन वाटर। इनमें से कौन सा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको वाटर में मिला दोगे, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दोगे, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये है डिसॉल्व का। सॉइल को अगर आप मिक्स करोगे तो दिखाई देगी, चॉक पाउडर आप मिलाओगे तो भी दिखाई देगा, शुगर को मिलाओगे तो नहीं दिखाई देगी, और ऑयल तो ऊपर तैरेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, चीनी पूरी तरह उसमें मिक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत बार क्वेश्चन बताया मैंने आपको, इनके विटामिन के नाम बताए थे, कौन सी डिजीज होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो, उसके बाद बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी है। उसी में से एक क्वेश्चन फंस चुका है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जो डिजीज फैलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। क्लियर बड़े? चिकन पॉक्स अगर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन में वो जल्दी से फैलती है, तो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 74, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही अलग से ट्रिक का क्वेश्चन है। अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन्स पे तो हमको क्या करना होता है? आगे की तरफ बेंड होना होता है, बेंड फॉरवर्ड। जिनका भी ये ऑप्शन सही है वो एकदम करेक्ट आंसर उनका, बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकाव। क्लियर बड़े? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड बिकॉज दे पोजेस। उनको हवा के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाया जाता है, क्यों? बिकॉज ऐसा क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा विंगेड सीड्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया है, एनटीए ने 2-3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नए दिए हैं, बिल्कुल हट के क्वेश्चन दिए हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है इजी थे, अगर आपने स्कोर किया तो बहुत अच्छा स्कोर है। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, अपने जो आपने क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से कितने सही किए हैं उसको बताना है, ओके, और 50 में से कितने मार्क्स आ रहे वो बताने हैं। उसके बाद जब सारे हमारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो आपको पूरा एक बार हम लोग पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस कम्युनिटी पे जाके आपको बताना है कि सर मेरे 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ओके। तो इसी के साथ आज का जो सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आपकी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो फॉर्म्स है वो जल्द ही आएंगे और फिर से हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो 15 फेब से हमारा फिर से सेशन स्टार्ट हो रहा है। जब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।